हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विम्पी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ग्लैमर्स के कुछ प्रोडक्ट्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में दोस्तों एंड तक ज़रूर बनिए रहेगा, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं चार प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये चारों के चारों हैं ग्लैमर्स की तरफ से। ये ग्लैमर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इन सभी का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ग्लैमर्स फज और सूदिंग पोस्ट हेयर रिमूवल लोशन। ये एक लोशन है जिसे आपको लगाना होता है आपके हेयर रिमूवल के बाद। हेयर रिमूव करने के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर। कभी वैक्स करते हैं तो कभी हम रेज़र यूज़ करते हैं, रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। कई बार इचिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनकी जो स्किन है वो छिल जाती है, है ना। कई बार ब्लड भी आने लगता है वैक्स के दौरान या फिर रेज़र हमें लग जाता है। तो इचीनेस को दूर करने के लिए वो अजीब सा एक होने लगता है ना कि यार वैक्स किया है या रेज़र किया है, हमें इचीनेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। तो उस चीज़ को ना ख़त्म करने के लिए ये लोशन आपका साथ देगा पूरा पूरा। और उसके साथ साथ ना ये हमारे हेयर की जो ग्रोथ है ना उसे ये रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप 15 दिन में वैक्स करवाते हैं ना, तो आप महीने के बाद वैक्स करवाने जाएंगे। तो ये बेसिकली इस प्रोडक्ट का काम है। इस प्रोडक्ट के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिंट, एवोकाडो और वाटर लिली। मैं आपको इसका टेक्सचर वगैरह भी यहाँ पर दिखाऊंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लोशन और बहुत ही अच्छे से आपको इसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है हेयर रिमूव करने के बाद। और आप देखिएगा आपकी जो रेडनेस है ना स्किन के ऊपर वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसे हमेशा ट्राई किया, जब जब मैंने मेरी स्किन के ऊपर शेव किया या फिर वैक्स किया, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। रेडनेस जो मेरी स्किन के ऊपर हो जाती थी ना वो तो बिल्कुल हुई ही नहीं इसे यूज़ करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा आराम मिला मुझे। तो है ग्लैमर्स का मैट मेल्ट ऑयल बैलेंसिंग क्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट जेल क्रीम है दोस्तों। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है मेरी तरह या फिर पिंपल प्रोन है, तो आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हो। इससे क्या है कि आपके स्किन के ऊपर जो ऑयल का सिक्रीशन होता है ना, ये उसे बैलेंस करके चलेगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी इसे यूज़ करने के बाद, और ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली फील करेगी, क्योंकि गर्मियों में हम जो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना वो पसीने में बदल जाता है। लेकिन ये यूज़ करेंगे ना आप, तो इससे आपका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहेगा, बहुत ऑयल जो है ना बैलेंस रहेगा, ठीक है जी। इसे यूज़ करने के बाद आपके फेस के ऊपर मैट फिनिश रहेगी। अभी मैंने इसे ही अप्लाई किया हुआ है तो मुझे काफ़ी मतलब एकदम मैट सी फिनिश लग रही है मेरे चेहरे के ऊपर। और साथ ही साथ ना मेकअप से पहले भी आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो, और मैंने अभी भी थोड़ा बहुत मेकअप किया है, मैंने प्राइमर की जगह इसे ही इस्तेमाल किया है और मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली क्रीम है। इसके अंदर आपको मिलेगा एलोवेरा, होहोबा और बर्गामॉट, इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर का है, बहुत ही लाइट वेट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जल्दी ग्लाइड हो गया मेरी स्किन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ये मॉइस्चराइज़र है। जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है गर्मियों में, क्योंकि कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लो लगाते ही पसीना आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन इसे यूज़ करने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसे यूज़ करना, तो आप डेफिनेटली इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर है ग्लैमर्स का सुपर स्पॉटलेस AM to PM पिम्पल फॉर्मूला। इसे दोस्तों यूज़ करना है आपको पिम्पल के ऊपर, जिन लोगों को पिम्पल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इधर पिम्पल आया था, इधर का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है पिम्पल के उस मामले में। तो ये जो है ना ये चीज़,
ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है जिसे आपको अप्लाई करना होता है आपके पिंपल के ऊपर। हल्का सा आपको पिंपल के ऊपर लगा लो पी साइज अमाउंट और इसे ओवरनाइट आप रहने दो। ओवरनाइट आप मतलब आप देखोगे अगले दिन आपका, मैं ये नहीं कह रही कि पिंपल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। जो आपका पिंपल है ना वो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा और रेडनेस और पेन जो होती है ना पिंपल के ऊपर वो बिल्कुल बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर होती है। बहुत ही गंदा गंदा सा लगता है जब हमें पिंपल की पेन होती है ना, तो उससे ये बहुत ज़्यादा आराम दिलाएगा। ये ना आपके पिंपल के ऊपर बिल्कुल एक कूलिंग सेंसेशन होने लग जाएगी आपको और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लाइक सीरियसली गाइस, ये जो है ना ये प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स में से। अगर आपको पिंपल्स का इश्यू है तो आप एक बार मेरे कहने पर इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। गाइस कोई भी चीज़ देखो, ऐसा नहीं होता कि जादू हो गया, जादू नहीं होती कोई भी चीज़, ऐसा नहीं होता कि मिरेकल हो गया एकदम लगाया और अगले दिन गायब, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि इसे लगाने के बाद आपका जो पिंपल है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दो दिन आप इसे यूज़ करेंगे तो पिंपल जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है जी ग्लैमर्स का बॉडी स्लश। ये जी एक फेस पैक है, मतलब बॉडी मास्क है। अगर कईयों की ना बॉडी के ऊपर ब्रेकआउट्स की, पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अच्छा फेस का तो हम मतलब यू कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बॉडी के लिए क्या करें, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर है बॉडी स्लश ग्लैमर्स का ब्रेकआउट कंट्रोलिंग मल्टीपर्पस बॉडी मास्क, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर जितने भी ब्लेमिशेस हो जाते हैं, है ना, नरिश करेगा उसे, सूथ करेगा। इसके अंदर आपको जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलेंगे, रेसुल और हॉली बेजिल है इसके अंदर, ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें। आपकी बॉडी के ऊपर आपको कहीं पर भी लगता है ना कि आपका जो ये पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो टैन हो रहा है, या फिर हमारे जो ये बाजू होते हैं बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, मैंने अपने बाजू के ऊपर इसे जो है यूज़ किया था, मेरी आर्म्स के ऊपर यूज़ किया था इस बॉडी मास्क को, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी ना खुशबू मुझे कुछ कुछ मुल्तानी मिट्टी जैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जी इसका टेक्सचर। इसकी मुझे खुशबू थोड़ी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी जैसी लगी। मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर को मिला दो तो वैसा कुछ पेस्ट बन जाता है ना, कुछ कुछ मुझे वैसा लगा। और इसे यूज़ करने के बाद ना आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट आप रखिए इस बॉडी मास्क को, उसके बाद इसे वॉश कर दीजिए और आप देखेंगे आपकी जो स्किन है हल्की हल्की जो टैनिंग है वो दूर होनी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ना ये प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, 101% आपको मैं रिकमेंड करती हूँ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। दोस्तों ग्लैमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेल्थ, फिटनेस एट्सेट्रा, इन सभी से रिलेटेड आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। और ये ब्रांड पिछले 9 सालों में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहा है और इनकी वुमेन की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, विद 12 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Has always interacted with its followers, understanding their concerns, needs and requirements when it comes to skincare. ये जो ब्रांड है ये बाकी ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारी स्किन के सभी इश्यूज़ को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ना गाइज, इनमें बिल्कुल भी पैराबेंस नहीं है, सल्फेट नहीं है, वीगन प्रोडक्ट है, आप 100% इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने